फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था और इसके बाद देखते ही देखते रूसी सेना ने यूक्रेन की 1000 किलोमीटर से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया और रूसी सेना को पीछे धकेलने की कवायद में यूक्रेन के लाखों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन 8 जून 2023 को यूक्रेन ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी और जवाबी कार्रवाई के शुरुआती 3 महीने में यूक्रेन ने अपने 1,25,000 सैनिकों को गंवा दिया था और यूक्रेनी फौज फ्रंटलाइन पर कुछ बड़ा हासिल करने में फेल रही थी। और अब इसी को लेकर यूक्रेन के पूर्व प्रोसिक्यूटर जनरल और आंतरिक मामलों के मंत्री यूरी लुटसेंको ने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यूक्रेन ने 5 लाख सैनिकों को खो दिया है। ये सैनिक मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि इन्हें मरे हुए यूक्रेनियों की संख्या कहा जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेंगे और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। हाँ, ये एक सदमा है। लुटसेंको का कहना है कि यदि 5 लाख सैनिकों की संख्या को 1 महीने के आधार पर बांटा जाए तो हर महीने यूक्रेन को 30,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। लेकिन युद्ध के 23 महीने पूरे होने के बावजूद अभी तक ये जंग किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में उसके 16,000 बड़े हथियार तबाह हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना के लिए हालात बदतर हो चुके हैं, क्योंकि वो सैनिकों से लेकर हथियारों तक की कमी से जूझ रही है और पश्चिमी देशों की तरफ से भी उसे फंडिंग और हथियारों की सप्लाई धीमी हो चुकी है। और इसे देखकर कहा जा रहा है कि या तो यूक्रेन रूस के आगे अचानक हथियार डाल देगा या फिर ये युद्ध किसी अंतिम मोड़ पर नहीं पहुंचेगा। और ऐसे हालातों में पश्चिमी देशों, खासतौर से अमेरिका, यूक्रेन को पैसा देना जारी नहीं रख पाएगा, क्योंकि खुद अमेरिका को भी नहीं पता कि ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले देश भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की हकीकत को स्वीकार नहीं कर रहे। वो लगातार अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों से फंड और हथियार मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की का मानना है कि वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर यूक्रेन कब तक टिक पाएगा। तो आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के पास सर्दियों तक के लिए हथियार बचे हुए हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिकी संसद से यूक्रेन की फंडिंग का बिल अभी तक पास नहीं करा पाए हैं और यही वजह है कि अब अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को फंडिंग जारी रखने के लिए रूस की जब्त की गई संपत्तियों को बेचकर करीब $300 अरब यूक्रेन को दे सकते हैं। हालांकि बाइडेन प्रशासन पहले ही यूक्रेन को $40 अरब से ज्यादा की सुरक्षा सहायता दे चुका है। इसके अलावा बाइडेन और अमेरिकी संसद ने $75 अरब से ज्यादा की फंडिंग, मानवीय सहायता, वित्तीय और सैन्य सहायता के रूप में सीधी दी है। इसके अलावा यूक्रेन अभी तक पश्चिमी देशों से $75 अरब से ज्यादा की फंडिंग को युद्ध में स्वाहा कर चुका है। उल्टा यूक्रेनी सेना युद्ध में हार के मुहाने पर खड़ी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद यूक्रेन अभी भी अमेरिका से फंडिंग मांग रहा है और अमेरिकी संसद में यूक्रेन की सहायता वाला $61 अरब का पैकेज विपक्षी रिपब्लिकन सांसदों ने अटका दिया है।